सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब, बाकी जो है अकाबरीन और मेंबरान बार, आज का एक मैं समझता हूँ तारीख साज इजलास किया जा रहा है, जिसमें आज हमारे दिल जो है वो खून के आंसू रो रहे हैं, जो कुछ हमारी मुस्लिम उम्मा के साथ फलस्तीन में किया जा रहा है, जो कुछ आज जेनोसाइड किया जा रहा है एक बैनुल अक्वामी साजिश के ताबे, और जिस बेहिसी का मुजाहरा हमारी हुकूमत कर रही है और मुस्लिम उम्मा बाहसियत इज्तमाई जिस तरह एक खामोश तमाशाई बनी हुई है, 20,000 से ज़ायद बच्चे बच्चियां औरतें मर्द और जो है बूढ़े बुज़ुर्ग जिनको शहीद किया गया है, और अभी तक इसराइली बर्बरियत जो है वो उसका एक लामतनाही सिलसिला चला जा रहा है, और जिस तरह से बदकिस्मती से यूनाइटेड नेशंस में एक ही सुपर पावर बुलडोज करके उसको क्रश किए जा रही है और उसका तसलसल और तवातर है। हमारे अपने मुल्क में देखिए, हम किसी की क्या जो है उसको रोएं कि वहाँ इंसानी हकूक की पामाली हो रही है। हमारे तो अपने हक मुल्क में जो है जितनी इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, उसका कल ही इसी 2-3 दिनों में अगर आप देखें तो एक सबका वजीर आजम को 40 साल के बाद उसको कत्ल करने के बाद अदालत उज़्मा ने कल उसे लिया। हम दूसरे एक वजीर आजम को देखते हैं तो उसको जो है जिस तरह से माफिया दे के ले जाया जाता है, जिस तरह फिर सजाएं होती हैं, जिस तरह से ताहयात नाअहली होती है, अब उसको अदालतें इस तरह से जो है साफ किए जाती चली जा रही हैं कि हर कानून के जायचे और जाबते को जो है पामाल किया जा रहा है। कल मैं मौजूद था एक और वजीर आजम के केस में जेल में, उसे पाबा सलासल किया जा गया है। भुट्टो को इसलिए फांसी दी गई कि उसने हेनरी किसिंगर की उस धमकी को उसने हवा में बखेर के राजा बाजार में दिखाया कि हेनरी किसिंगर ने मुझे धमकी दी है कि अगर एटम बॉम्ब तुमने बनाना बंद न किया तो तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे। हमने हेनरी किसिंगर और अमेरिका का तो कुछ ना किया, लेकिन ज़ियाउल हक और मौलवी मुश्ताक ने मिलकर जो है भुट्टो को फांसी लगा कर फिर देखिएगा जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा जब अमेरिका ने उससे अड्डे मांगे, जिस शख्स ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, तो उसका जो है एक उससे भी हेनरी किसिंगर से भी नीचे का एक ओहदेदार असिस्टेंट जो है सेक्रेटरी डोनाल्ड लू हमारे एम्बेसडर असद मजीद को कहता है कि अगर तुमने अपने वजीर आज़म इमरान खान को चलता न किया तो अमेरिका तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। और हमने डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़ तो डिमोश कर दिया एक, और हमने अपने वजीर आज़म को भी चलता किया हुक्मनामे पर, और साथ ही उसको पाबा सलासल करके कल हम फिर फर्द जुर्म लगाया गया, हालांकि बिल्कुल गैर आइनी गैर कानूनी जेल में। चौधरी साहब भी गए थे, मैं भी गया था जेल में। जेल में न किसी सहाफ़ी को आने दिया गया, न वकील को आने दिया गया। मेरी अदम हाजिरी में मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश था चौधरी साहब के उस मिलिट्री कोर्ट वाले केस में, और पीछे से फर्द जुर्म दूसरी मरतबा फिर उसमें, जबकि एक दफ़ा उसे कल अदम करार दिया था हाई कोर्ट ने कि जेल ट्रायल ये हो ही नहीं सकता है, फिर दोबारा लगा दिया। तो अदालतों के दोहरे मयार भी आपके सामने हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कल सिविलियंस के ट्रायल को जायज़ करार दिया, बुलडोज किया उन 5 जजों के, और फिर देखें कि ये तो स्टे हुआ ही नहीं है, ये भी गलत तशरीह तो की जा रही है, क्योंकि जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने डायसेंटिंग नहीं, उसने उन 5 जजेस का साथ दिया। तो अब ये देखें, 5 जजेस वो थे जो फैसला करने वाले थे, 6 जजेस ये थे, एक ही अदालत है, सभी के बराबर के इख्तियारात हैं, तो 11 जज हो गए। 11 में से अब 6 जजेस ने कहा कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता,
तो फिर पांच जजेस का आप कैसे नारे मार रहे हो कि जी ये स्टे वकेट कर दिया गया। स्टे वकेट नहीं हुआ किसी कानूनी हैसियत से, किसी आइन की तशरीह पर देख लें नहीं हुआ। ये फिर हुकूमती जबर है कि फिर वो उसी तरह पीडीएम का तसलसल है कि वो एक गलत नारे मार रहे हैं। पहले तो बड़ी बबांगे दोल तशरीह करते थे, ये 3-2 की रेशो से ये नहीं हुआ फैसला बल्कि 5-3 से मुस्तरद हो गया। अब क्यों नहीं वही रेशो जरा इस्तेमाल करते, करें ना वही रेशो, बल्कि ये तो लॉजिकल है, ये तो लॉजिकल है। कोई ये मातहत अदालत तो नहीं थी जिसने फैसला किया और जिसका आप फैसले में अपील सुन रहे थे, ये तो वही अदालत थी। तो जब 6 जजेस मिलिट्री कोर्ट ना मंजूर और ये मिलिट्री कोर्ट क्या है, ये इसको कोर्ट कहना भी तौहीन है, अदलिया की तौहीन है, अदलिया की तजहीक है, निजाम अदल की ये जो है एनिहिलेशन है, आइन की ये जो है ये बिल्कुल उसको दफन करने के मुतरादिफ है। ये अदालत नहीं है। आर्टिकल 201 में कहा अदालत वो होती है जिसकी अदालत आलिया की कंट्रोल और सुपरविजन में हो। क्या मिलिट्री कोर्ट यानी वो जो मेजर है या कर्नल है या ब्रिगेडियर है, क्या वो हाई कोर्ट के सुपरविजन में है, क्या वो हाई कोर्ट के कंट्रोल में है, क्या उसको जो है ब्रिगेडियर को या कर्नल को या जनरल को वो जो है हाई कोर्ट हटा सकता है या हाई कोर्ट उसको कंट्रोल कर सकता है? वो तो जाहिर है आर्मी के ही डिसिप्लिन में, जिसे चाहे वो उठा के परे मारे जिसे चाहे वो। तो ऐसी अदालत नहीं होती है जिसको ना सिक्योरिटी ऑफ सर्विस हो, ना ट्रेनिंग हो, ना उसका इदराक हो, ना पता हो कहाँ ट्रायल हो रहा है, ना उसको मिलने दिया जाए रिश्तेदारों से, ना वकला को रसाई हो। और ये चौधरी साहब कल बता रहे थे कि 365 में से जो सेठ ने वहाँ पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो फैसले किए मिलिट्री कोर्ट के, 365 में से 364 के इकबाल जुर्म थे और कोई शहादत नहीं थी। अरे भाई आज तक 365 इकबाल जुर्म करते हैं, तो ये मजाक मत करो ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो ट्रायल करने का आप जा रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट पर भी मुझे अजीब ताज्जुब होता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उसे कल बुलडोज किया, हालांकि जस्टिस तारिक मसूद साहब उस बेंच में बैठ ही नहीं सकते थे। क्यों? और हमारा इतराज़ था कि उन्होंने तो पहले ही एक इख्तलाफी नोट दिया जब वो 9 रुकनी बेंच सबका चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने बनाई थी, उसमें वो काजी फायज ईसा साहब के साथ उठते हुए एक नोट इख्तलाफी लिख कर गए जिसमें उन्होंने कहा ये पटिशन मेंटेनेबल नहीं है। तो फिर वो कैसे अपने ही फैसले के खिलाफ भी अपील सुन रहे हैं? हमारे इतराज़ को बिल्कुल इस तरह हवा में बखेर दिया गया और फिर बुलडोज करके ये फैसला जो कल किया गया, और पीछे नीचे से उसने फर्द जुर्म लगाया हमारी गैर हाजिरी में। तो ये ज़रा इंसाफ देखिए कैसे हो रहा है। लेकिन आज वो कौम अंधी गूंगी और बहरी नहीं है, आज वो एक पीटीवी और एक जो है पाकिस्तान टाइम्स नहीं है अखबार, आज हर शख्स के, हर पाकिस्तानी के पास जो है सोशल मीडिया मौजूद है, आज हर शऊर रखता है और उसको नज़र आ रहा है कि इस मुल्क में क्या फ्रॉड किया जा रहा है। एक ये हो गया अदालती निज़ाम जिस तरह से बुलडोज किया जा रहा है, दूसरा आप देखिए इंतखाबात के अमल को बुलडोज किया जा रहा है जिस तरीके से। क्या ये है लेवल प्लेइंग फील्ड जो आपको नज़र आ रही है? क्या इस तरह से जो है एक पार्टी को जो है आप हाथ पैर बांध के उसको कह रहे हैं कि जाओ भाई मैदान जंग में, और जबकि दूसरे साहब को ताजपोशी करके आपने रेड कार्पेट दिया हुआ है? सो इसलिए ये भी एक इशू है जो आपके सामने बिल्कुल आशना करना मकसूद था। तो इनसे मैं समझता हूँ बार को हाईकोर्ट बार को मैं इस चीज़ का खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज इन्होंने इन इश्यूज़ पर जो है कौम को आगही देने के लिए आज का ये बहुत अहम और तारीखी इजलास बुलाया है, और इनके साथ मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने मौका दिया।